फ्रेंड्स, दिस इज द सिक्स्थ वीडियो लेक्चर ऑफ पैरेलल डेटाबेस सिस्टम। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्वेरी पैरेललिज्म क्या है। तो मैं अनिलकेश शर्मा, आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए समझते हैं कि क्वेरी पैरेललिज्म क्या है। क्वेरी पैरेललिज्म, तो आइए समझते हैं कि क्वेरी पैरेललिज्म क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में चार तरह की क्वेरी पैरेललिज्म के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले जो है समझते हैं कि इंटर क्वेरी पैरेललिज्म क्या है। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म में क्या होता है कि मल्टीपल क्वेरीज आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल वन क्वेरी बाय इच सीपीयू। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म में क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है मल्टीपल क्वेरीज को रन कर दिया जाता है और एक क्वेरी को हैंडल करता है एक सीपीयू, मतलब एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है एक सीपीयू, एक प्रोसेसर, और दूसरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है दूसरा प्रोसेसर, दूसरा सीपीयू, तीसरी क्वेरी को तीसरा प्रोसेसर, तीसरा सीपीयू। तो इसी तरीके से जो है नंबर ऑफ क्वेरीज को नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर जो है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो पिछले कई वीडियो लेक्चर में मैं पैरेलल डेटाबेस सिस्टम की ही बारे में बात करता हुआ आ रहा हूँ। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम को समझने के लिए मेरे पिछले वीडियोस को देखिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि जो है एक कंपनी है उसमें मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेट सपोज 10 डिपार्टमेंट है। तो 10ों डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉई होंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने लैपटॉप से या अपने अपने पीसी से जो है डेटाबेस का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे और उस डेटाबेस के एप्लीकेशन से उनको जो भी इंफॉर्मेशन अपने काम की चाहिए होगी उस डेटाबेस एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन को फेच कर लेंगे। बट वो जो इन्फॉर्मेशन फेच कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मेन डेटाबेस सिस्टम से उठ करके आती है। तो मेन डेटाबेस सिस्टम को ही ओरेकल का सर्वर या ओरेकल का डेटाबेस बोलते हैं जो बैकएंड पे रखा हुआ होता है। तो उस मेन डेटाबेस सिस्टम पे अगर एक प्रोसेसर लगा हुआ है और लेट सपोज एक ही टाइम में जो है एक कंपनी से 20, 30 या 50 रिक्वेस्ट डेटाबेस सिस्टम के पास आ गई है इंफॉर्मेशन के लिए, तो एक प्रोसेसर है तो वो डेटाबेस सिस्टम जो है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर लार्ज डेटाबेस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम में इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं, तो डेटाबेस सिस्टम की तरफ अगर एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है तो एक प्रोसेसर जो है इतने सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फिर डिस्क से डेटा को रीड करके फिर यूजर के पास डेटा को सेंड करने में काफी टाइम लगेगा। इससे डेटा की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगी, हर यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन बहुत लेट उठ उठ करके आएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है पैरेलल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है एक प्रोसेसर की जगह बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स वहां पर लगा दिए जाते हैं। और जब डेटाबेस सिस्टम के पास मल्टीपल यूजर्स की मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है डेटा के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है मल्टीपल प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूट करता है और मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके मल्टीपल यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है। तो इसी को पैरेलल डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। तो कुल मिला जुला करके पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का मतलब क्या है कि जहां पर कंपनी का मेन डेटाबेस है
यानी कि ओरेकल का सर्वर या ओरेकल का डेटाबेस जहाँ पर स्टोर है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर को लगा देते हैं मल्टीपल यूजर्स के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो मल्टीपल प्रोसेसर की वजह से इन्फॉर्मेशन जल्दी उठ करके यूजर के पास पहुंच जाती है, तो इसको पैरेलल डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म में क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है मल्टीपल क्वेरीज एक साथ रन हो जाती है और एक क्वेरी को हैंडल करता है एक प्रोसेसर, दूसरी क्वेरी को हैंडल करता है दूसरा प्रोसेसर, तीसरी क्वेरी को हैंडल करता है तीसरा प्रोसेसर। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म में ट्रांजेक्शन इस तरीके से होता है, तो इसीलिए इसको पैरेलल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इट इज यूज टू स्केल अप ए ट्रांजेक्शन सिस्टम टू सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म का जो है पर्पस क्या है, इससे डेटाबेस की स्केल अप बढ़ सके। अब ये स्केल अप क्या होता है, तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के जो है पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उसमें मैंने एक स्केल अप के बारे में भी समझाया है, तो इसको आप मेरे उस वीडियो लेक्चर में जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वैसे स्केल अप का मतलब ये है कि अगर डेटाबेस सिस्टम की तरफ मैंने एक प्रोसेसर लगाया है तो पर सेकेंड जो है मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन को डेटाबेस सपोर्ट कर रहा है। अगर मैंने दो प्रोसेसर लगाया है तो पर सेकेंड 100 के जगह पे 200 ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर तीन प्रोसेसर मैंने डेटाबेस सिस्टम की तरफ लगाया है तो पर सेकेंड 300 ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर इस तरीके से जब हम प्रोसेसर को बढ़ाते हैं तो पर सेकेंड ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाती है और उसको डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट करता है, तो इसी को कहते हैं स्केल अप। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म से क्या होता है कि डेटाबेस की स्केल अप बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है कि पर सेकेंड जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को डेटाबेस सपोर्ट कर पाता है। अब इंटर क्वेरी पैरेललिज्म को थोड़ा सा प्रैक्टिकली डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये ऐसे काम करता है, मान लीजिए कि मल्टीपल रिक्वेस्ट डेटाबेस सिस्टम के पास आ गई है, तो उसके लिए क्या करेगा, डेटाबेस सिस्टम मल्टीपल क्वेरी को रन कर देगा और एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा एक प्रोसेसर, और फिर रिजल्ट देगा उसी टाइम दूसरी क्वेरी को, एट द सेम टाइम दूसरी क्वेरी को रन करेगा और उसको सपोर्ट करेगा दूसरा प्रोसेसर और फिर रिजल्ट दे देगा। तीसरी क्वेरी को उसी टाइम रन करेगा प्रोसेसर, थर्ड उसको सपोर्ट करेगा रिजल्ट देगा, और इसी तरीके से जितनी भी क्वेरी रन करने की ज़रूरत है यूज़र के रिक्वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए उतनी क्वेरी रन करेगा और उतने ही प्रोसेसर जो है उसको सपोर्ट करेंगे। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म जो है इस डायग्राम में जिस तरीके से दिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म। तो आइए समझते हैं कि इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म क्या होता है। तो इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म में क्या होता है कि सिंगल क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल ऑन मल्टीपल सीपीयू इन द केस ऑफ टेबल और रिलेशन हैज बिन पार्टीशन अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। तो इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा आपको डेटा पार्टीशनिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर से जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डेटा पार्टिशनिंग के बारे में समझाया है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए ताकि आपको डेटा पार्टिशनिंग के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। तो डेटा पार्टिशनिंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि डेटा पार्टिशनिंग में क्या होता है कि जो मल्टीपल टेबल्स होते हैं जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो मल्टीपल टेबल्स में से मान लीजिए मैं कोई एक ही टेबल लेता हूँ, तो उस टेबल को मैं क्या करूँगा, तीन या चार टुकड़ों में बांट करके अलग अलग डिस्क के ऊपर जो है स्टोर करके रख दूंगा। तो ये सब करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब आगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो एक ही टेबल को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ करके अलग अलग डिस्क के ऊपर
स्टोर करके रखा जाता है। तो अलग अलग डिस्क, लेट सपोज एक टेबल को मैंने चार डिस्क के ऊपर तोड़ करके रख दिया है, और एक डिस्क पे जो मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी प्लस एम्प्लॉय का नेम और सैलरी है, दूसरे डिस्क पे एम्प्लॉय आईडी और प्लस जो है एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय का लोकेशन डिपार्टमेंट नेम वो है, तीसरे डिस्क पे एम्प्लॉय आईडी प्लस उसकी सैलरी है, और चौथे डिस्क पर एम्प्लॉय आईडी प्लस और कोई इन्फॉर्मेशन है। अब मान लीजिए कि यूज़र कोई भी इन्फॉर्मेशन की मांग करता है तो रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस सिस्टम के पास, तो डेटाबेस सिस्टम को उस इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए लेट सपोज चारों डिस्क को रीड करना पड़ेगा उसे। अगर चारों डिस्क को रीड करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में क्या करेगा डेटाबेस सिस्टम की एक सिंगल क्वेरी को रन करेगा, और उस सिंगल क्वेरी के अंदर भी चार और अलग अलग क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो चारों क्वेरी क्या करेंगी, एक क्वेरी जो है फर्स्ट पार्टीशन पे जा करके डेटाबेस को ढूंढेगा, डेटा को ढूंढेगा, उसके बाद दूसरी क्वेरी दूसरे पार्टीशन पे जाकर को डेटा को ढूंढेगी, तीसरी क्वेरी तीसरे पार्टीशन, चौथी क्वेरी चौथे पार्टीशन पे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि रन एक सिंगल क्वेरी हो रही है, बट सिंगल क्वेरी जो है आगे चल करके मल्टीपल क्वेरी में एग्जीक्यूट हो जाती है, और उस मल्टीपल क्वेरी को एक क्वेरी को जो है एक टाइम में एक ही सीपीयू जो है हैंडल करता है, दूसरी क्वेरी को दूसरा सीपीयू हैंडल करता है, तीसरी क्वेरी को तीसरा, चौथी क्वेरी को चौथा सीपीयू या प्रोसेसर हैंडल करता है। तो मतलब क्या, इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म में एक सिंगल क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, और इंटरनली जो है वो सिंगल क्वेरी चारों पार्टीशन पे जाने के लिए चार अलग छोटे छोटे क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, और हर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने का काम जो है अलग अलग प्रोसेसर का या अलग अलग सीपीयू का होता है। और इस तरह का काम जो है वो होता है डेटा पार्टीशनिंग वाले केस में, यानी कि जहाँ पर टेबल या रिलेशन का पार्टीशन बना करके मल्टीपल डिस्क के ऊपर स्टोर कर दिया गया है, वहीं पर इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म वर्क करता है। इसको नीचे के डायग्राम में समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, बट इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म का क्या पर्पस है, तो स्पीडिंग अप लॉन्ग रनिंग क्वेरीज। अब कोई लॉन्ग रनिंग क्वेरीज है ना भाई, यूज़र ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए एक क्वेरी बहुत देर तक रन करना पड़े उसको, तो उस लंबे समय तक उस क्वेरी को रन करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करते हैं कि उस क्वेरी को ही बहुत सारे इंटरनली जो है अलग अलग क्वेरी में तोड़ करके रन कराया जाता है। तो इससे क्या होता है कि लॉन्ग रनिंग क्वेरीज जो है उसकी स्पीड अप बन जाती है, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन को फेच करता है। तो इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म का डायग्राम यहाँ पर नीचे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म कैसे वर्क करता है। तो एक क्वेरी है, एक क्वेरी को कई सारे क्वेरी में तोड़ दिया गया है, सब क्वेरी 1.1, सब क्वेरी 1.2, सब क्वेरी 1.3, सब क्वेरी जितने की जरूरत पड़ेगी उतने पार्ट में एक क्वेरी को तोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से सब क्वेरी 1.n तक इसको तोड़ दिया गया है, और तोड़ करके एक सब क्वेरी को हैंडल कर रहा है एक प्रोसेसर, और उसके बाद वो एक प्रोसेसर एक सब क्वेरी का रिजल्ट जो है रिटर्न कर रहा है, उसके बाद दूसरा प्रोसेसर दूसरे सब क्वेरी को रन कर रहा है और उसका रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तीसरा प्रोसेसर तीसरे सब क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और उसका रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। इसी तरीके से जितनी भी सब क्वेरी रन हो रही है उन सारे सब क्वेरी को एक एक करके प्रोसेसर भी उनके साथ उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, और सारे प्रोसेसर अपना अपना रिजल्ट देंगे, और लास्ट में ये सारे रिजल्ट कंबाइंड हो करके एक पूरा रिजल्ट बन करके हमारे सामने आ जाता है। तो इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म ज़्यादा यूजफुल है जब हम लॉन्ग रनिंग क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी पैरेललिज्म है
इंट्रा ऑपरेशन पैरेलिज्म। तो आइए देखते हैं कि इंट्रा ऑपरेशन पैरेलिज्म क्या होता है। तो इंट्रा ऑपरेशन पैरेलिज्म रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेक अप ए क्वेरी इनटू मल्टीपल पार्ट्स विद इन ए सिंगल डेटाबेस पार्टीशन एंड एग्जीक्यूट दीज पार्ट्स एट द सेम टाइम ऑन मल्टीपल प्रोसेसर। तो इंट्रा ऑपरेशन पैरेलिज्म में क्या होता है कि लेट सपोज अगर डेटा की पार्टिशनिंग की गई है, यानी कि एक टेबल को तोड़ करके मल्टीपल जो है डिस्क के ऊपर स्टोर कर दिया गया है, तो इंट्रा ऑपरेशन पैरेलिज्म में क्या होगा कि लेट सपोज एक टेबल को तोड़ करके तीन पार्टीशन के ऊपर स्टोर किया गया है, तो यहाँ पर तीनों पार्टीशन में नहीं, यहाँ पर एक पार्टीशन में, एक पार्टीशन में जो है एक पार्टीशन से इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए जो क्वेरी रन होगी उस क्वेरी को भी बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, और तोड़ करके एट द सेम टाइम उन सारे क्वेरी को रन किया जाता है एक पार्टीशन से, एक डिस्क से डेटा को फेच करने के लिए। तो इंट्रा ऑपरेशन पैरेललिज्म रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेक अप क्वेरी इनटू मल्टीपल पार्ट्स। तो एक क्वेरी को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है एक सिंगल डेटाबेस पार्टीशन में। अगर टेबल की तीन चार पार्टीशनिंग कर रखी है तो चारों पार्टीशन पे नहीं, एक पार्टीशन पे, एक सिंगल पार्टीशन के ऊपर जो डेटा रखा हुआ है उस डेटा को फेच करने के लिए एक क्वेरी को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ करके उस सिंगल डेटाबेस के पार्टीशन से जो है डेटा को फेच किया जाता है। तो ये जो क्वेरी को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ा गया है उस मल्टीपल पार्ट्स को एक ही टाइम में एक ही सिंगल डेटाबेस पार्टीशन से डेटा को फेच करने के लिए रन किया जाता है, और हर टुकड़े को, वो जो क्वेरी मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ी गई है हर टुकड़े को सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोसेसर। तो इसको नीचे के डायग्राम में समझेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको और आगे पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है, फिर डायग्राम को समझेंगे। स्पीडिंग अप द प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरी बाई पैरालाइजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इच इंडिविजुअल ऑपरेशन लाइक सॉर्टिंग, प्रोजेक्शन, जॉइन। अब एक डिस्क के ऊपर डेटा को फेच करने के लिए, एक ही डेटा को फेच करने के लिए अगर सॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ रही है क्वेरी को, प्रोजेक्शन करने की जरूरत पड़े, प्रोजेक्शन क्या होता है आगे एसक्यूएल क्वेरी में समझाऊंगा, प्रोजेक्शन करने की जरूरत पड़ रही है, जॉइन करने की जरूरत पड़ रही है, तो एक ही क्वेरी को तोड़ दिया जाता है मल्टीपल पार्ट्स में, और एक पार्ट्स तो शॉर्टिंग करता है, दूसरा पार्ट प्रोजेक्शन करता है, तीसरा पार्ट जॉइन करता है। तो एक क्वेरी शॉर्टिंग के लिए रन होगी, मतलब एक ही क्वेरी तीन पार्ट में टूट करके एक शॉर्टिंग को सपोर्ट करेगी, दूसरे को, दूसरा प्रोजेक्शन को सपोर्ट करेगी, तीसरा जॉइन को सपोर्ट करेगी, और सॉर्टिंग को सपोर्ट करने के लिए जो क्वेरी टूटी हुई क्वेरी जो रन हो रही है उसको सपोर्ट करेगा एक प्रोसेसर, प्रोजेक्शन को सपोर्ट जो क्वेरी कर रही है उसको सपोर्ट करेगा दूसरा प्रोसेसर, और जॉइन को जो क्वेरी रन कर रही है उसको सपोर्ट करेगा तीसरा प्रोसेसर। तो इससे क्या होता है कि क्वेरी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है जब हम जो है इच इंडिविजुअल ऑपरेशन को हम अलग अलग एग्जीक्यूट करवाते हैं, मतलब सॉर्टिंग अलग करवाते हैं, प्रोजेक्शन अलग करवाते हैं, जॉइन अलग करवाते हैं एट द सेम टाइम। तो इससे क्या होता है कि क्वेरी की प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। अब नीचे के डायग्राम में समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेरी है, उस क्वेरी को जो है चार पार्ट में तोड़ दिया गया है, सब क्वेरी पार्ट 1.1, सब क्वेरी 1.2, सब क्वेरी 1.3 और सब क्वेरी 1.n तक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सब क्वेरी 1.1 इस सिंगल टुकड़े को
इस सिंगल टुकड़े में भी अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे शॉर्टिंग करनी है तो शॉर्टिंग के लिए एक अलग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर ये दूसरा ऑपरेशन जो है अगर परफॉर्म कराने की ज़रूरत है तो वही सब क्वेरी दो पार्ट में टूट जाएंगी। एक क्वेरी इस ऑपरेशन को सपोर्ट करेगी, दूसरी क्वेरी इस ऑपरेशन को सपोर्ट करेगी, और उस एक क्वेरी को भी जो है तीन क्वेरी में तोड़ दिया जाएगा। एक क्वेरी सॉर्टिंग को सपोर्ट करेगी, दूसरा क्वेरी प्रोजेक्शन को सपोर्ट करेगी, तीसरा जॉइन को सपोर्ट करेगी, और हर हर क्वेरी को एक प्रोसेसर यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरीके से रिजल्ट रिटर्न किया जाएगा। तो डेटा फ्रेगमेंट वन, डेटा फ्रेगमेंट टू, डेटा फ्रेगमेंट थ्री, तो इसी तरीके से सब क्वेरी 1.1 में इस तरीके से काम हो रहा है, सब क्वेरी 1.2 में भी इसी तरीके से काम होगा, सब क्वेरी 1.3 में भी इसी तरीके से काम होगा, और आगे के सब क्वेरी में भी इसी तरीके से काम होगा। तो इंट्रा ऑपरेशन पैरेललिज्म जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इंट्रा ऑपरेशन पैरेललिज्म यही है। इसके बाद एक और टॉपिक है क्वेरी पैरेललिज्म का, तो जिसको इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म बोलते हैं। तो चूंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने वो नहीं डाला है, तो इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं लेकर के आऊँगा। तो उस वीडियो के बाद जो है हमारा पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के साथ लेकर के वापस आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।